नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में कि भाई अंग्रेजों के और मराठाओं के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए और इन युद्धों के आधार पर कौन कौन से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उनके बारे में जानेंगे क्यों ये युद्ध हुए और क्या कारण थे और युद्ध के समय कौन कौन सी संधियां हुई, क्योंकि युद्ध और संधियों से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपरों में देखने को मिलते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में आते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आंग्ल मराठा संघर्ष। पहला युद्ध जो होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चलता है। आखिर क्यों? घटना है 30 अगस्त 1773 ईस्वी की, जब पेशवा रघुनाथ राव क्या करते हैं, अपने भतीजे नारायण राव की हत्या कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पेशवा बनना था। अब इधर नाना फर्नांडिस जो थे वो क्या करते हैं, नारायण राव के पुत्र माधव राव को पेशवा घोषित कर देते हैं। जब उन्हें घोषित हो जाते हैं तो रघुनाथ राव क्या करते हैं, अंग्रेजों की शरण में चले जाते हैं, यानी अंग्रेजों से संधि करते हैं और अंग्रेज उन्हें वचन देते हैं, ठीक है भाई मैं तुम्हारे साथ दूंगा। तो जानते हैं उसके ही बारे में, आखिर ये युद्ध जो हुआ था क्यों हुआ था। तो 7 मार्च 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव के और अंग्रेजों के बीच में सूरत की संधि होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अपने भतीजे की हत्या कर देता है खुद पेशवा बनने के चक्कर में, लेकिन नाना फर्नांडिस क्या है, उसी के पुत्र माधव राव को ही पेशवा घोषित कर देते हैं। अब ये चले जाते हैं अंग्रेजों के पास और अंग्रेजों के पास में जाने कर ये कहते हैं भाई तुम मुझे सहयोग दो और मैं पेशवा बनूंगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा सुविधाएं दूंगा, यानी तुम्हारी हर चीज से तुम्हें कुछ ना कुछ, यानी तुम्हारी हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा। तो होता ये है, तो इनके बीच में होती सूरत की संधि। अब सूरत की संधि किसके बीच में हो गई, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। 7 मई 1775 ईस्वी में कर्नल कोटिंग ये क्या था, ये रघुनाथ राव की सहायता के लिए भेजे जाते हैं। अब भेजे जाते हैं उधर नाना फर्नांडिस मराठों के माधव राव थे, तो इधर क्या होता है, अरसा का युद्ध होता है, याद रखना। यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तो चल ही रहा था, लेकिन इन दोनों इनके बीच में एक युद्ध होता है अरसा का युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है, पेशवा की सेना हार जाती है, क्योंकि अंग्रेजों ने भाई उन्हें पहले ही सहयोग कर दिया था। अब क्या होता है कि ये जो चीज हुई और जो संधि हुई, इसको उसे उधर क्या थे, वारंग हेस्टिंग कलकत्ता की परिषद थी, तो उन्होंने संधि को मान्यता नहीं दी। और इधर मराठे भी भाई संघर्ष, एक तो युद्ध में हार गए, दूसरा संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। तो क्या हुआ, इन्हीं के बाद में कर्नल उपटन को भेजा गया और उनके बीच में फिर मध्यस्थता होती है। कर्नल उपटन जो है मराठा और अंग्रेजों के बीच में एक मध्यस्थता करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये कब होती है, 1776 ईस्वी में क्या होती है, पुरंदर की संधि से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपरों में देखने को मिलता है। शिवाजी के समय में हुई थी पुरंदर की संधि, और एक 1776 में अब पुरंदर की संधि हो रही है इनके मराठाओं के और अंग्रेजों के बीच में। इसके बाद भी क्या होता है, कुछ दिन के बाद में फिर से 1779 ईस्वी का समय आता है, इसमें होता है तेलगाम की लड़ाई। ये लड़ाइयां आप याद कर लेना, क्योंकि मराठे जो थे पहले युद्ध से सबक ले चुके थे, ठीक है, और उसके बाद में इन्हें अपना बदला लेना था। तो तेलगांव की लड़ाई होती है, इसमें क्या होता है, अंग्रेज हारते हैं। अंग्रेज हारने के बाद में क्या करते हैं, संधि। तो संधि किसकी होती है, बडगांव की, याद रखना, बडगांव की संधि होती है। इस संधि के अनुसार क्या शर्तें होती हैं कि भाई देखो 1773 ईस्वी में, क्योंकि 1773 में रघुनाथ राम ने अपने उसके भतीजे का हत्या कर दी थी अपने की, तो ये कहते भाई जो तुम्हारे पहले क्षेत्र थे जो जीते हुए थे, है ना, 1773 के बाद के सभी जीते हुए क्षेत्र आप मराठाओं को लौटा दो, ठीक है भैया, संधि के अनुसार वो लौटा भी दिए। तो ये है
1773 के सारे बड़गांव की संधि में होती है ये फैसला। इसके बाद 1780 में वारिंग हेस्टिंग्स जो थे वो गोडार्ड को अहमदनगर और कर्नल पोफम, याद रखना संधि के बावजूद भी फिर भी इनमें संघर्ष नहीं रुकता। तो जो हेस्टिंग है 1780 में गोडार्ड को तो अहमदनगर और कर्नल पोफम को ग्वालियर के लिए भेजता है जीतने के लिए, और ये भाई संघर्ष करके जीत भी जाते हैं। तो कर्नल गोडार्ड तो अहमदनगर को जीतता है और कर्नल पोफम जो है ग्वालियर को जीतता है। इसके बाद में होता क्या है, महादजी सिंधिया की मध्यस्थता, क्या इसमें महादजी सिंधिया क्या करते हैं, अंग्रेज और मराठों के बीच में फिर से समझौता कराते हैं, मध्यस्थता कराते हैं, और 17 मई 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि होती है। क्या होती है, 17 मई 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि होती है, यानी इस संधि के बाद ही एक दूसरे का सहयोग करेंगे और झगड़ा नहीं होगा। इस संधि के बाद पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है, यानी पहला आंग्ल मराठा, अंग्रेज और मराठों के बीच में जो ये युद्ध हुआ उनके बीच में और भी छोटे छोटे कई युद्ध हुए थे और कई संधियां हुई थी, और इन्हीं संधियों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में आता है। बात करते हैं दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, पहला युद्ध समाप्त होने के बाद में दूसरा क्या था, बाजीराव द्वितीय, क्या बाजीराव द्वितीय, ये युद्ध कब तक चलता है, 1803 से 1805 ईस्वी में। इस युद्ध में होता क्या है कि बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया ने यशवंत होलकर, याद रखना ये युद्ध हुआ क्यों, अब हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इसमें दौलत राव सिंधिया और बाजीराव द्वितीय ने क्या करा, यशवंत होलकर के भाई बिट्टू की हत्या कर दी, बिट्टू उसकी हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद 1802 ईस्वी में क्या होता है, 1802 ईस्वी में होलकर जो थे यानी यशवंत होलकर ये क्या करते हैं, पूना पर कब्जा कर लेते हैं। अब जब पूना पर कब्जा कर लेते हैं तो बाजीराव द्वितीय क्या करता है, 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में अंग्रेजों के पास चला जाता है और अंग्रेजों से कर लेता है सहायक संधि। ठीक है, क्या हो जाती है, अंग्रेजों के साथ बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में सहायक संधि होती है, यानी बेसिन की संधि भी उसे बोल सकते हैं। अब संधि के बाद में होता क्या है, अब होती है लड़ाई झगड़ा। तो सिंधिया जो है और भोसले ये दोनों संयुक्त रूप से युद्ध करते हैं, दूसरे युद्ध की घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं हम। तो इसमें लॉर्ड वेलेजली उस समय थे तो उत्तरी कमान और लॉर्ड लेक, ठीक है, यानी उत्तरी की कमान, उत्तर की तरफ की कमान तो लॉर्ड लेक को दी जाती है वेलेजली के द्वारा, और दक्षिण की जो कमान दी जाती है वो आर्थर वेलेजी को दी जाती है, हैं? आर्थर वेलेजली को दी जाती है। अब इसके बाद में मराठों से और इन दोनों अधिकारियों की क्या होती है, एसआई की संधि, याद रखना वो एसआई की संधि नहीं, सॉरी लड़ाई। अब ये होती है बहुत जबरदस्त लड़ाई, पहले तो ये संयुक्त सेना में सिंधिया को हरा देते हैं, अब इसके बाद में संयुक्त सेना हारने के बाद में फिर ये अलग अलग तरीके से लड़ते हैं, अलग होकर तब भी है हारते हैं। तो भोसले की जो सेना थी वो किसकी, अरे गांव की लड़ाई, याद रखना कौन सा गांव, जो भोसले की सेना थी वो अरे गांव की लड़ाई में हार गई, ठीक है ना। और हारने के बाद में भोसले और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि होती है, देवगांव की संधि, ठीक है भैया। अब हो गई इनकी देवगांव की संधि, अब इस संधि में क्या क्या चीजें मिलने को देखने को मिली, कि भोसले से कटक का क्षेत्र भी देना पड़ गया, इसे भोसले से कटक का क्षेत्र ले लिया। अब आती है लॉर्ड लेक, लॉर्ड लेक जो 1803 ईस्वी में, ठीक है, लॉर्ड लेक कहां पर थे, उत्तरी कमान के, ठीक है ना। अब ये क्या है, अब होती है इनकी सिंधिया से, तो सिंधिया से कहां पर हुई लड़ाई, लासबारी की लड़ाई, ये दूसरे युद्ध की घटना है, किसकी, आंग्ल मराठा युद्ध जो दूसरा हुआ था। पहले संयुक्त सेना हारती है असाई की लड़ाई में, संयुक्त,
उसके बाद में ये फिर से अलग अलग होकर लड़ते हैं तो तब भी हारते हैं। भोसले अरेगाम की लड़ाई में हारते हैं और देवगाम की संधि करते हैं और अपना क्षेत्र खो देते हैं। लॉर्ड लेक 1803 में सिंधिया से लड़ते हैं और लासबरी की लड़ाई इससे होती है और फिर सिंधिया हार जाते हैं। सिंधिया हारने के बाद में सुरजन अर्जना गांव की संधि होती है। कौन से गांव की? सुरजन अर्जन गांव की संधि होती है। अब इसमें क्या था उस समय जो था जॉर्ज बार्लो उस समय गवर्नर था। इसने क्या करा यशवंत राव होलकर से राजपुर घाट की संधि की। किसकी संधि हो गई? राजपुर घाट की संधि। और इसके बाद में दूसरा आंगल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। तो ये आंगल मराठा युद्ध के यानी दूसरे युद्ध के समय भी कुछ युद्ध हुए थे और फिर उनकी संध्या हुई थी और यही पेपरों में ज्यादा पूछी भी जाती है। बात कर लेते हैं थोड़ी तीसरे आंगल और मराठा युद्ध के बारे में। भाई तीसरा आंगल मराठा युद्ध कब हुआ? तो इसका समय है 1718 ईस्वी में। इसमें होता क्या है, 1718 में रघुजी भोसले की हो गई मृत्यु, जो पहले अंग्रेजों से जाकर मिल गया था। उसके बाद में इसका जो पुत्र था परसुजी और उसकी माता कौन थी, तो को भाई संरक्षिका बनी क्योंकि अंग्रेजों के बहुत अच्छे थे। और दूसरा कौन थे, अप्पा सिंह संरक्षक। तीसरे युद्ध की घटना के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूना में तो पेशवा थे और बड़ौदा में कौन थे, गायकवाड़। इनमें हो जाता है विवाद शुरू। अब गायक ये क्या करते हैं, पेशवा थे पूना वाले क्या करते हैं, 1 करोड़ का जुर्माना धरते हैं गायकवाड़ों के ऊपर। अब ये क्या करते हैं गायकवाड़, ये अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं गंगाधर, ठीक है। तो गंगाधर शास्त्री भेजते हैं ये कि तुम जाओ और उनसे पूछो भाई आखिर ये 1 करोड़ का तो दावा किया गया, क्यों किया गया। लेकिन इधर पेशवा का जो मंत्री था त्रियंबक, वो क्या करता है, गंगाधर शास्त्री की हत्या कर देता है। अब भाई रघुनाथ जी क्या थे, रघुनाथ जो राव था वो अंग्रेजों के संरक्षण में था। अब अंग्रेजों को लगती है ये चीज बहुत ज्यादा गलत, उन्हें आ जाता है गुस्सा ब्रिटिश को। अब गुस्सा आ जाता है, वो क्या करते हैं, उनमें उस समय कौन था, एलिफिस्टन कहता है त्रियंबक को हाजिर करो, पेश करो। इधर स्मिथ, ठीक है ना, मेजर स्मिथ भी क्या करते हैं, जब वो हाजिर करने के लिए कहते हैं हाजिर नहीं होता तो मेजर स्मिथ क्या करते हैं, पूना को घेर लेते हैं। अब पूना को घेरने के बाद में क्या होता है, पेशवा सिंधिया भोसले इनसे की जाती है अपमानजनक संधियां अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन ये तीनों ही क्या करते हैं, इनसे युद्ध करने की ठान लेते हैं। अब जब युद्ध करने की ठानते हैं तो तीसरा युद्ध शुरू होता है, तीसरा आंगल मराठा युद्ध। इसमें क्या है कि पेशवा लड़ते हैं। अभी हमने क्या जानकारी ली, तीसरे युद्ध की जानकारी ली थी कि भाई तीसरा युद्ध क्यों हुआ, किस कारण हुआ। तो पेशवा किसकी, करकी की लड़ाई होती है। तीसरे युद्ध के बीच में भी करकी की लड़ाई होती है और इसके बाद में, यानी पहली करकी की लड़ाई में पेशवा हार जाते हैं और इसके बाद में फिर से लड़ाई होती है अष्टिका युद्ध। अष्टिका ये अंतिम युद्ध था अष्टिका, इसमें भी पेशवा हार जाते हैं। अब दो लड़ाइयों में पेशवा हरा दिए। इसके बाद में भोसलों से युद्ध होता है, तो भोसले क्या थे, सीतावर्डी का युद्ध होता है भोसलों से, ठीक है, उसमें भोसले हारते हैं। अब होलकर का नंबर आता है क्योंकि तीनों ने युद्ध करने की ठानी थी। तो होलकर क्या है, महिदपुर के युद्ध में अब होलकर को भी हरा दिया जाता है। और हराने के बाद में जब संधि का नंबर आता है तो क्या समस्या आती है कि मराठाओं का परिसंघ भंग करा जाता है। फिर इनसे संधि तो करते ही, लेकिन उनसे पहले इन पर करा जाता जुर्माना। तो परिसंघ इनका भंग कर दिया गया, 800,000 का जुर्माना बाजीराव द्वितीय पर किया गया, ठीक है। और सतारा का कुछ हिस्सा निकालकर, ठीक है, मराठों के जो क्षेत्र था उसमें सतारा का हिस्सा निकालकर शिवाजी के वंश से प्रताप सिंह उनको दे दिया जाता है कि चलो इस पर तुम थोड़ा सा राज करोगे। और 1818 में यानी बचे हुए क्षेत्र पर क्या होती है, बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना की जाती है। कब की जाती है, 1818 में।
अब इसके बाद में होलकर से ना मंदसौर की संधि की जाती है, और मंदसौर की संधि होने के बाद में होता क्या है सभी को पता है, संधि होने के बाद में होलकर से भी उनका क्षेत्र छीन लिया, यानी आधा क्षेत्र छीन लिया जाता है, थोड़ा बचा कुचा क्षेत्र ही इनको दिया जाता है। अब कोरेगांव की भी लड़ाई मराठों के और अंग्रेजों के बीच में होती है, और इस लड़ाई को भी मराठे हार जाते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन से तीसरे युद्ध के समय संधियां हुई और कौन कौन से भाई युद्ध हुए थे। युद्धों के बारे में आपने सभी, करकी का युद्ध हुआ, अष्टी का युद्ध हुआ, सीतावर्डी का युद्ध हुआ, महितपुर का युद्ध हुआ और कोरेगांव का युद्ध हुआ, यानी लड़ाई कह सकते हो भाई, युद्ध ही थे छोटे छोटे। अब देखो सबसे पहले इनकी नागपुर की संधि होती है 1816 ईस्वी में, उसके बाद में पूना की संधि होती है 1817 ईस्वी में, और ग्वालियर की संधि होती है 1718 ईस्वी में, ओ 1817 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी मेरे दोस्तों 1817, ठीक है। इसके बाद में मंदसौर की संधि हुई 1818 ईस्वी में। तो ये थी संधियां जो कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुई, और ये कुछ युद्ध थे जो कि तीसरे ही आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुए। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको पहले, दूसरे और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी कि युद्ध हुआ क्यों, और युद्ध के समय कौन कौन से छोटे छोटे युद्ध हुए, और कौन कौन सी संधियां हुई, और उसके क्या परिणाम निकले। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।